100 करोड़ पुरानी बात हो गई, 1000 करोड़ बेंचमार्क होने का वक्त आ गया है। जवान और गदर 2 की सक्सेस के बाद बोले सलमान खान। सलमान खान गिपी ग्रेवाल की आने वाली फिल्म मौजा ही मौजा के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस दौरान सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात की। शाहरुख खान की पठान ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई की और अब जवान भी ये आंकड़ा पार करने के बहुत करीब है। ऐसे में सलमान खान ने नए बेंचमार्क सेट करने की बात कही। जवान और पठान के अलावा सनी डियोल की फिल्म गदर 2 ने भी 500 करोड़ के पार कलेक्शन किया है। बॉलीवुड की इन फिल्मों की सक्सेस के बाद अब सलमान खान ने कहा कि अब 1000 करोड़ रुपए जैसे नए बेंचमार्क देखने का वक्त आ गया है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए क्लब में शामिल होना अब अतीत की बात बन गई है। ई टाइम्स में छपी एक बड़ी खबर के मुताबिक मौजा ही मौजा के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सलमान खान ने पंजाबी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर अच्छे परफॉर्मेंस पर बात की। उन्होंने कहा कि अलग अलग इंडस्ट्री में फिल्में जिस तरह की कमाई कर रही हैं, वे नए रिकॉर्ड बना रही हैं। नॉर्थ रीजन में ही अब 500 से 600 करोड़ रुपए कमाना तो आम बात हो गई है। भाईजान ने कहा कि पंजाबी इंडस्ट्री हो या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह अब फिल्में 400, 500, 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर रही हैं। मराठी फिल्में भी इस दौर में इतना कलेक्शन कर रही हैं। सलमान ने कहा, मुझे लगता है कि 100 करोड़ रुपए होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब एक फिल्म के लिए बेंचमार्क 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या सलमान खान की ये बात सही लगती है? बॉक्स ऑफिस पर ये पैसों की खनखन क्या 4 दिन की चांदनी है और फिर सिनेमाघरों पे वापस वही काले बादल छा जाएंगे? अपना राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और ऐसे ही मज़ेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।